हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अहम बैठक में उस समय गहमा गहमी होने लगी जब पंचायती राज चुनावों में प्रत्याशियों के ठीक चयन न होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा गया, जिसे लेकर कई कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उग्र हो गए और कुछ ही देर में नौबत ऐसी आ गई कि कुर्सियों से उठकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ। तो ऐसे में कुछ एक कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी शुरू की, लेकिन बीच बचाव में तीखी नोकझोंक के बाद मामले को शांत करवाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, विधायक बड़सर इंद्रदत्त लखनपाल ने भी बीच बचाव में बड़ी मुश्किल से भड़के हुए कार्यकर्ताओं को शांत करवाकर माहौल को ठंडा करवाया। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया था। हालांकि बैठक में प्रदेश प्रभारी विधायक पवन काजल और सह प्रभारी आश्रय शर्मा ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन निजी कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके हैं। ऐसे में बैठक में जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार के अलावा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार की गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जिला कांग्रेस की आगामी चुनावों में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और पंचायतों में प्रत्याशी तय किए जाएं, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चर्चा की है। उन्होंने बताया कि बैठक में किसानों के आंदोलन को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि किसानों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर भी बैठक में रणनीति तैयार की गई है। मुख्यतः जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन चुनावों को लेकर एक रणनीति बनाने के लिए और किस तरीके से इन चुनावों में लड़ा जाए, किस तरीके से जिला परिषद और जो हमारे नगर परिषद नगर पंचायतों में प्रत्याशी जो हैं वो तय किए जाएं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए मुख्यतः आज की बैठक थी, जिसमें किसानों का जो आंदोलन इस देश के अंदर चल रहा है, जो सरकार ने कानून बनाए हैं किसान विरोधी, उनको लेके भी इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन और सहयोग किसानों के साथ है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ये चीज़ कहती आ रही है कि केंद्र सरकार जो नए किसान जो बिल लेके आई है फार्मर्स के लिए, जो रूल्स लेके आई है, कानून लेके आई है, वो ना केवल किसान विरोधी हैं बल्कि जनविरोधी भी हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ इन कानूनों से किसान जो हैं वो परेशानी में हैं, उनके हित जो हैं उनके साथ कुठाराघात हुआ है, वहीं जो देश की जनता है, कंज्यूमर हैं, उनके साथ भी ऐसे जो कानून हैं इनकी वजह से अन्याय होगा और महंगाई जो है ऐसे कानूनों से बढ़ेगी, तो उस विषय में भी आज की बैठक में चर्चा हुई है। इसी तरीके से और कई पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, संगठन को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हमीरपुर जिला के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो है वो आने वाले समय की जो लड़ाई है उसके लिए तैयार किए जाए, सारे विषयों के ऊपर आज की बैठक में विचार हुआ। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक पर प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि संगठन में कुछ मुद्दों पर गहमा गहमी हुई है, लेकिन लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और इसे स्वतंत्र लोकतंत्र परंपरा है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को सबके सामने रखा है। नोकझोंक नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म है जिला कांग्रेस कमेटी, तो इसमें निश्चित तौर पर जो है वो सभी लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, और विचार व्यक्त करते करते जब कभी आपस में थोड़ा सा कोई विचारों में मतभेद होता है तो उसको लेके थोड़ी गर्मा गर्मी होना, उसको नोकझोंक नहीं कह सकते। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीका है, डेमोक्रेसी में बात रखी जाती है, हर कोई अपने हिसाब से अपनी बात को रखता है, ये नोकझोंक नहीं है, इसको मैं कहूँगा एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा कांग्रेस पार्टी की है, जिसके तहत इस तरह से विचार विमर्श होता है पार्टी के अंदर। जिला कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के नहीं पहुंचने पर प्रेम कौशल ने कहा कि कोविड के चलते प्रभारी नहीं पहुंच पाए हैं, तो सह प्रभारी अपने निजी कामों के चलते बैठक में उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को पंचायती चुनावों में एकजुट होकर काम करने के लिए चर्चा की गई है, तो इसके साथ विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को जिताने के लिए आज से तैयारियां शुरू करने के लिए कहा गया है।
नहीं, सबसे बड़ा कारण तो कोविड के को लेके जो सरकार के नियम हैं और कोरोना को लेके जो हमारे एक आश्रय शर्मा हो तो उनको दिल्ली से आना था, तो दिल्ली में आपको पता है कि इस वक्त जो स्थिति है कोरोना की वो बड़ी विस्फोटक है, बहुत वहाँ ज़्यादा पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और दूसरे जो पवन काजल हैं उनकी अपनी कोई व्यस्तता थी, इस वजह से नहीं आए। आने वाले समय में जिनको प्रभार दिया गया है वो अपने अपने ज़िलों में जाके, पूरे हमीरपुर ज़िला के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जिन लोगों को प्रभारी बनाया गया है वो प्रभावशाली तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे। और आने वाले विधानसभा चुनावों में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी मजबूती के साथ, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो हर मोर्चे के ऊपर फेल हिमाचल प्रदेश के अंदर रही है, उसका मुकाबला नहीं करेगी केवल बल्कि सत्ता में वापसी करेगी।